हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवीज क्रिएशन। आज मैं 36 इंच ब्लाउज के बैकनेक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ब्लाउज को लेंथ ले ली 15 इंच, 14 इंच तैयार है। 36 का चौथा विभाग है, 9 इंच, 1.5 इंच प्लस की हो तो 10.5 इंच। ऊपर से शोल्डर ले ली हूँ मैं 5.5 इंच, आर्म होल ली हूँ 6 इंच। फिर मैं नेक की जो कटिंग करूँगी इसके लिए पेपर पेस्टिंग ले ली हूँ, इसको फोल्ड कर ली हूँ। फोल्ड करने के बाद फिर इसको नेक विड्थ ले ली हूँ 2.5 इंच। फिर ब्लाउज के लेंथ ले ली हूँ 12 इंच और फिर इसको ऐसे चौकोन बॉक्स बना लूँगी। फिर इसको मटका शेप देते हुए हल्का सा नीचे से पान टाइप का शेप दे दूँगी, ठीक है। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे करके ड्रॉ कर लेना है डिज़ाइन को। आपको जितना फैलाना वाला डिज़ाइन पसंद है, फैला वाला, वैसे ही उतना ही फैला सकते हैं। मैं इधर करीब करीब 3.5 इंच फैलाई हूँ और फिर इसको कटिंग कर लूँगी ऐसे धीरे धीरे करके। बाहर वाला जो लाइन है इसको भी कटिंग कर लेना है। इसको कटिंग कर ली हूँ। अब अस्तर वाले कपड़े का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर में मैं ऐसे निशान लगा दी हूँ और दोनों तरफ में 2.5 इंच पे निशान लगा दूँगी, क्योंकि नेक विड्थ मेरा 2.5 इंच है। और उसके बाद फिर इसको पेपर पेस्टिंग को जैसे कटिंग करके रखी हूँ ऐसे सेंटर के सेंटर मिलाते हुए और रखूँगी और प्रेस करके फिर एक स्टिच लगा ली हूँ। फिर मेन फैब्रिक के सीधे वाले पार्ट पे अस्तर कपड़े को रखना है और किनारे से जो पेपर पेस्टिंग है उसके किनारे से स्टिच लगाऊंगी। पेपर पेस्टिंग के ऊपर से स्टिच नहीं करूंगी, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। अब स्टिच करने के बाद फिर एक पैर के मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा रखूंगी और बाकी के जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर लूंगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब छोटा छोटा कट लगा दूंगी ताकि आसानी से बैक साइड में फोल्ड हो जाए। कट लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब इसको पलट के सीधा कर लूंगी। ये देखिए, अब स्टिच कर लूंगी। नेक के ऊपर से तरफ से स्टिच करना चालू करूंगी और धीरे धीरे करके चारों तरफ से स्टिच करके मेन फैब्रिक के साथ अस्तर कपड़े को अटैच कर लूंगी। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पे आज नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इस तरह के नया नया डिज़ाइन देखने के लिए, ब्लाउज़ के नया नया पैटर्न देखने के लिए और सीखने के लिए, तो और डिज़ाइन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए डिज़ाइन आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए ऐसे धीरे धीरे करके स्टिच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लूंगी मैं। अब दोनों साइड से मैं टक्स लगाऊंगी सेंटर पॉइंट से 4.5 इंच के गैप में और 4 इंच के लंबाई में दोनों तरफ मैं टक्स लगा लूंगी। हो गया है टक्स लगाना। अब नीचे साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको डबल फोल्ड करके स्टिच करूंगी। ये हो गया है। अब सेंटर का जो डिज़ाइन ड्रॉ करूंगी उसके लिए मैं ऐसे पेपर पेस्टिंग ले ली हूँ और दोनों का सेंटर मिलाते हुए रखना है, बैक पार्ट का और पेपर पेस्टिंग का। और बंद वाले साइड से ये डिज़ाइन देखिए ऐसे देना है और फिर इसको कटिंग कर लूँगी। ये जो बीच का गैप है वो 1 इंच का गैप है, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इधर 1 इंच का गैप दूंगी। ये देखिए, अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैं प्रेस करके चिपका ली हूँ और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी ये पैटर्न को रख के। फिर मेन फैब्रिक ले ली हूँ, मेन फैब्रिक के सीधे वाले पार्ट पे रखना है और उसको किनारे से पेपर पेस्टिंग के किनारे से ऐसे स्टिच करते जाऊँगी और ऊपर तरफ से स्टिच कर लूँगी पहले।
फिर इस ये बीच वाले हिस्से में स्टिच नहीं करना है, बाकी फिर दोनों तरफ से स्टिच करके इसको पूरा ज्वाइन कर दूंगी। अब इसको काट लूँगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा बहुत रखते हुए आधा इंच करीब, और बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि आसानी से इसको बैक साइड में फोल्ड कर सकते हैं। अब इसको पलट दूँगी, पलट के सीधा कर लूँगी। इसे धीरे धीरे करके अंदर तरफ खींचते जाना है। और ये देखिए ऐसे धीरे धीरे करके सीधा कर लेना है। ये हो गया है, अब स्टिच कर लूँगी चारों तरफ से। ऊपर से स्टिच करके इसको, स्टिच करने से मतलब फिनिशिंग आ जाएगा तो एक स्टिच कर लेना ज़रूरी है। फिर 3x3 इंच का चौकोन पीस ले ली हूँ कपड़े का, और इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। ऐसे दो पीस ले ली हूँ, दोनों को इस सेम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। फिर एक दूसरे के ऊपर रख के और एक स्टिच कर लूँगी, स्टिच करके दोनों को जॉइन कर लूँगी। और उसके बाद ऐसे रखना है और स्टिच कर लूँगी। फिर स्टिच करने के बाद जो अंदर साइड से मतलब ऊपर तरफ से जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको कट कर लूँगी। ये देखिए पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब दोनों का सेंटर और सेंटर के साथ मिलाते हुए रखना है। फिर पिन अटैच कर लूँगी, फिर इसको स्टिच करके जॉइंट कर लूँगी। अब इसमें मैं कोई लेस अटैच नहीं करूँगी, आप लोग चाहे तो लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही सिंपल रखूँगी। और बस बीच में एक मैं गोल्डन कलर का बटन ले ली हूँ, इसको अटैच कर दूँगी सुई धागा के साथ इसको अटैच करूँगी। ठीक है, ये हो गया है, मेरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन लोग मेरे चैनल पे आज नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज के लिए आया तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।